हेलो एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन डिज़ाइन उत्प्रद टूडेज़ वीडियो आई एम डिस्कसिंग बीए फैशन डिजाइनिंग कोर्स के बारे में जिसमें आपका आएगा बीए फैशन डिजाइनिंग टॉप कॉलेजेस रैंकिंग सिलेबस स्कोप करियर ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो so, आज के वीडियो में मैं काफ़ी सारी चीज़ के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इसीलिए वीडियो को पूरा देखना और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब टू तो माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी कोई फैशन रिलेटेड वीडियो फैशन रिलेटेड अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे तो आज के वीडियो का टॉपिक है बी फैशन डिजाइनिंग कोर्स के बारे में बी फैशन डिजाइनिंग कोर्स का फुल डिटेल्स सो so, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हो आ, मैं आप लोगों के सामने एक वेबसाइट लाया हूँ इस वेबसाइट से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा फैशन डिज़ाइनिंग बी फैशन डिजाइनिंग के बारे में तो सबसे पहले क्या है किसी ने रिव्यू दिया मैं उसका रिव्यू देखूँगा उसके बाद आप लोगों को बताऊँगा तो उसने क्या क्या बोला मैं आप लोगों को सुनाता हूँ एक वेबसाइट है जहाँ से मैंने मैं आप लोगों को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ सो यहाँ पर it is a 3 years ug course that involves the study of its uh, misses and the new trend that is completely related to the world of the fashion industry and the market that fashion caters to so आज के वीडियो में आप देख सकते हो कि बी ए फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के बारे में बता रहा हो और बी ए फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स एक थ्री ईयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है और ये जो जिसने रिव्यू दिया आई थिंक ये पल अकेडेमी से है सो उन्होंने पल अकेडेमी के बारे में बोला है कि पल अकेडेमी में बी ए अगर फ़ैशन डिज़ाइनिंग कोर्स आप करना चाहते हो तो टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू का उसके बारे में उन्होंने बोला है सो उसके बाद It is a study of the creation of uncue An and original designing in garment footwear. ज्वेलरी एंड एक्सेट्रा फैशन डिजाइन इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द क्रिएशन ऑफ़ डिजाइनिंग विच इंक्लूडेड कॉन्वर्सेशन ऑफ़ आर्टिस्टिक टैलेंट्स एंड क्रिएटिविटी एंड क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोथिंग टेक्सटाइल ज्वेलरी फुटवेयर एंड दे आर एक्सरसाइज सो बी ए फैशन डिजाइनिंग कोर्स के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ सिखाया जाएगा आप यहाँ पर भी देख सकते हो द कोर्स कंप्राइज ऑफ मल्टीक्यूलस स्टडी ऑफ द मार्केट ट्रेंड्स मार्केट के बारे में आपको बहुत सारे स्टडी किया जाएगा तो काफी सारी चीज़ के ऊपर आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा इफ़ यू कंप्लीट दिस कोर्स यू आर एलिजिबल टू हेयर द फॉलोइंग रोल्स सो आप अगर इस कोर्स को कंप्लीट कर चुके हो तो आप काफ़ी सारे जॉब के लिए अप्रूव्ड हो जाओगे जैसे कि मार्जेंटाइजर टेक्सटाइल डिज़ाइनर रिटेल फैशन कंसल्टर मैनेजमेंट ट्रेन गारमेंट सिंपल कोर्डिनेटर किटवर डिज़ाइनर एक्सोस डिज़ाइनर एंड फैशन डिजाइनर एक्सेट्रा द एवेस्ट सैलरी द इंडिया दैट यू मे एक्सपेक्ट बाई कम्प्लीटिंग दिस कोर्स लाइन्स बिटवीन आप सालाना तीन लाख से पाँच लाख कमा सकते हो फर्स्ट में फ्रेशर एज ए फ्रेशर इट इज़ बाउंड टू इंक्रेज विथ टाइम एज यू मे इंक्रेज बॉथ योर स्किल स्किल टेस्ट एंड एंड द एक्सपीरियंस इन द फैशन इंडस्ट्री सो जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंस फैशन इंडस्ट्री में बढ़ता जाएगा आप इस इंडस्ट्री में काफ़ी सारा अच्छा नाम बना सकते हो सो यहाँ पर काफ़ी सारे कॉन्टेंट्स हैं मैं उसको छोड़कर नीचे की तरफ आता हूँ यहाँ पर एक चार्ट है जो बी ए फैशन डिजाइनिंग कोर्स के बारे में पूरी क्रिएशन दिया हुआ है यहाँ पर तो सबसे पहले कोर्स लेवल ग्रेजुएशन लेवल है और ड्यूरेशन ऑफ़ द कोर्स थ्री ईयर्स के लिए है और टाइप ऑफ एग्जामिनेशन आपको इस कोर्स में एग्जामिनेशन सेमिस्टर और एयरली बेसिक भी दिया जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टेन टू ट्वेल्व पास करना होगा आपको किसी रिकॉगनाइज एजुकेशन बोर्ड से और एडमिशन प्रोसेस बेस्ड ऑन द इंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड मेरिट बेस तो आप अगर इंडिया के टॉप कॉलेजेस में जाओगे जो मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बोला ऑब्वियसली टॉप कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहोगे तो वहाँ के एंट्रेंस एग्जाम को आपको क्रैक करना पड़ेगा और काफ़ी सारे कॉलेजेस में आपको मेरिट बेस एग्जाम मार्कशीट के जो परसेंटेज है लास्ट एग्जाम क्वालिफिकेशन उसके अनुसार आपको एडमिशन होता है आपका सो so, उसके बाद कोर्स फीस तो आप सालाना आपको लगभग दो लाख से आ, पाँच लाख तक पे करना होता है पाँच लाख बहुत ज़्यादा फ़ीस है वो टॉप कॉलेजेस और टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए हैं पर ज़्यादातर कॉलेजेस में फ़ीस आपका डेढ़ लाख से तीन लाख तक होता है सालाना उसके बाद एवरेज सैलरी मैंने पहले ही बताया तीन लाख से पाँच लाख तक होता है एनुअल आप कमा सकते हो एवरेज सैलरी में टॉप हायरिंग कंपनीज़ फैशन मीडिया एक्सपोर्ट हाउसेस, फ़ैशन शो मैनेजमेंट फ्रीलैंसिंग फॉर फैशन हाउसेस, गारमेंट मैनुफेक्चरल यूनिट्स गारमेंट स्टोर ज्वेलरी हाउसेस, लेदर कंपनीज मीडिया हाउसेस, टेक्सटाइल मिल्स एंड काफ़ी सारे एक्सेट्रा बहुत सारे जगह पर आपका uh, हयरिंग हो सकता है इसके आफ्टर कोर्स करने के बाद टॉप रिक्वायरेंट्स एरियाज जिस एरिया में आपका जॉब पोजिशन लग सकता है मैंने पहले भी बोला सेम सेम हेयर फैशन मीडिया एक्सपोर्ट हाउसेज सब कुछ सेम है उसके बाद जॉब uh, पोजिशन uh, अवेलेबल कौन से पोजिशन में आपका जॉब हो सकता है मार्चेंटाइजर टेक्सटाइल डिज़ाइनर रिटेल फैशन कंसल्टेंट मैनेजमेंट ट्रेन गारमेंट गारमेंट सैम्पल कोऑर्डिनेटर किटवेयर डिज़ाइनर एक्सेसरी डिज़ाइनर एक्सेट्रा उसके बाद बी ए फैशन डिजाइनिंग वाट इज अबाउट मतलब इस कोर्स के बारे में बी ए फैशन डिजाइनिंग क्या है फॉर यू टू यू टू बी एलिजिबल टू स्टडी बी ए फैशन डिजाइनिंग यू हैव टू कम्प्लीट योर टेन टू टूल्व और इट्स ए एग्जाम फ्राम एनी डिसिप्लिन हैविंग ए आर मिनिमम ऑफ फिफ्टी परसेंट मार्क्स सो आप अगर uh, जिस कॉलेज में इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो हर एक कॉलेज़ के एक रूल्स होता है जहाँ पर आपका आई थिंक फिफ्टी परसेंट मार्क्स अब एलिजिबल होना चाहिए उसके बाद आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो उसके बाद काफ़ी सारे रूल्स हैं आप देख सकते हो इफ़ यू आर एन एक्सपर्ट इन ड्रॉइंग थिंग्स दैट रिफ्लेक्ट वाट यू थाट्स आर द एंड इट इज़ ऑन योर माइंड सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द पीपल ट्राइंग टू व्यू द आइडिया यू आर सुइटेबल फॉर देर कोर्स आपको आपके अंदर अगर क्रिएटिविटी है तो आप अगर बहुत अच्छे से ड्रॉइंग जानते हो ड्रॉइंग नहीं भी जानते कोई बात नहीं बट क्रिएटिविटी होना चाहिए आपके अंदर सो so, आपके लिए वो कोर्स परफेक्ट है बीए कोर्स फैशन डिजाइनिंग कोर्स परफेक्ट है यू शुड बी क्रिएटिव इन नेचर एंड नेचर एंड द कीप ऑब्जर्व यू शुड कीप योर सेल्फ अवार्ड अवार अवार्ड तो आपके साथ आपके साथ बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ होना चाहिए आप नेचर के चाहे वो नेचर से लेके हो आपका ऑब्जर्वेशन पावर हो तो काफ़ी सारी चीज़ में आपका क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है so uh, what is the uh, latest and should know how to communicate with people आपको लोगों के साथ communicating लोगों के साथ बात करने के लिए अच्छा तरीका होना चाहिए लोगों के साथ communicate करने का माध्यम जानना होना चाहिए आपके अंदर the course is suitable for those who are uh, willing to become a teacher as lecturer in cool school colleges uh, जो school colleges में lecture uh, दे चुके हैं school colleges में as a leadership काम कर चुके हैं उनके लिए ये course बहुत ही अच्छा है Uh, जो काम नहीं करते स्कूल कॉलेजेस में एज ए लीडरशिप उन उनका बात अलग है वो भी कर सकते हैं ये कोर्स बट जो ये कोर्स uh, स्कूल कॉलेजेस में लीडर बन चुके हैं उनके लिए ये कोर्स बहुत ही अच्छा है सो uh, so, उसके बाद वाई स्टडी बी ए फैशन डिजाइनिंग आप क्यों बी ए फैशन डिज़ाइनिंग स्टडी करोगे इफ़ यू कम्पलीटेड योर बैचलर्स इन फैशन डिज़ाइनिंग यू आर रियली रेटली एक्सेप्टेबल इन गारमेंट्स लेदर टेक्सटाइल एंड अदर फैशन रिलेटेड इंडस्ट्रीज सो so, उसके बाद कम्प्लीटिंग ए कोर्स इन द फील्ड ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग मेक्स वन एलिजिबल एंड कम्प्लीटेंट यंग टू ओपन देयर ओन फैशन हाउसेज टू एग्जिबिटेड देयर फैशन स्किल यू कैन बी ए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट तो ये कोर्स करने के बाद आप एक बहुत ही अच्छा खासा फैशन डिज़ाइनर बन सकते हो इस फील्ड में और काफ़ी सारी चीज़ uh, यहाँ पर है उसके बाद व्हाट इज व्हाट इज़ द बैचलर इन फैशन डिजाइनिंग एडमिशन प्रोसेस जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपको uh, टेन टू ट्वेल्व पास करना होगा फिर भी देखते हैं यहाँ पर क्या है तो टू गेट एडमिटेड टू द बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस और द यूनिवर्सिटीज और दे आर इंस्टीट्यूट दे आर ए टू वेज सो so, अगर आप बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ का टू रूल्स so, uh, है द फर्स्ट वन इज़ द मेरिट बेस्ड एडमिशन एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइडेड बेस्ड ऑन द कट ऑफ द यूनिवर्सिटी सीट फॉर वेरियस कोर्सेज एंड कॉलेजेस सो आपका मेरिट बेस एग्ज़ाम होता है मेरिट बेस एडमिशन होता है और दूसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है uh, जो यूनिवर्सिटी सीट्स होता है एग्ज़ाम के लिए एडमिशन के लिए वो कॉलेजेस के ऊपर टोटल्स होता है उसके बाद the uh, bulletin uh, mentions uh, separate uh, instructions of both other than a uh, cbac to check the equivalence of their subject with those mentioned in the list and uh, the second admission process is based on the interest examination in this so entrance exam dena hoga aapko entrance exam dene ke registration from a release for the interest exam of the official website given by the uh, respective colleges or universities universities and colleges ka official website release hota वो आपको फॉर्म फिलप करना होगा उसके बाद स्टूडेंट्स हैव टू फिल अप ऑनलाइन फॉर्म विच रजिस्ट्रेशन फीस रजिस्ट्रेशन फीस फिलअप करना होगा एडमिट कार्ड रिलेज बाय कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज उसके बाद आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइडेड किया जाएगा कॉलेज से उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम डेट विल बी रिलीज बाई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज उसके बाद रिजल्ट आर टू बी डिक्लेयर ऑफ द एंट्रेंस एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्जाम के लेजर भी क्लियर हो जाएगा उसके बाद फाइनल सिलेक्शन इज इज़ देन डन थ्रू पर्सनल इंटरव्यू उसके बाद फाइनल एग्जाम होने के बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होगा उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा परमिशन ले सकोगे uh, उसके बाद क्या क्या है वाट इज द बी ए फैशन डिजाइनिंग एंट्रेंस एग्जाम हेल्ड इन इंडिया ये उतना इम्पोर्टेंट uh, नहीं है आप खुद पढ़ पढ़ लो मैं इस टॉपिक को थोड़ा स्किप करता हूँ उसके बाद Uh, उसके बाद हम हाँ देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है हाँ यहाँ पर है व्हाट इज़ द बीए फैशन डिजाइनिंग सिलेबस वन ईयर टू एंड थ्री इयर्स की सिलेबस है सबसे पहले वन ईयर में है एपेरल कंस्ट्रक्शन मेथड इनमें सभी सही है यह बात मैं नहीं बता रहा बट uh, काफ़ी सारी चीज़ मिलता है कॉलेज से वन uh, ईयर में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा बीए में एपेरल कंस्ट्रक्शन मेथड कलर मिक्सिंग कंप्यूटर डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ टेक्सटाइल एंड सेकेंड ईयर में आपका फैब्रिक एंड प्रिंटिंग के बारे में सिखाया जाएगा फैशन रजिस्ट्रेशन एंड डिज़ाइनिंग फैशन स्टडीज़ हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट्यूम एंड उसके बाद थर्ड uh, ईयर में आपको इंट्रोडक्शन टू पैटर्न मेकिंग एंड गारमेंट कंस्ट्रक्शन और uh, उसके बाद लेदर डिज़ाइनिंग मैनुफैक्चरल टेक्निक्स काफ़ी सारी चीज़ के ऊपर आपको सिखाया जाएगा एंड Be a fashion designing important books. There are several books to study material that you may refer to, uh, prepare for the interest exam. They are तो आप अगर एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो निफ्ट के तो निफ्ट के काफ़ी सारे पॉपुलर बुक है जो पढ़कर आप निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लैक कर सकते हो जैसे कि निफ़्ट एंट्रस निफ्ट एग्ज़ाम गाइड बाय वर्मा निफ्ट एग्ज़ाम गाइड बाय डॉक्टर आर पी दटा निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम सेल्फ स्टडी गाइड पॉपुलर मास्टर्स गाइड निफ्ट बाय आर गुप्ता ब्राइट कैरियर्स गाइड निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम तो काफ़ी सारे बुक्स आप देख सकते हो स्क्रीन पर तो जो पढ़कर आप Uh, निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले सकोगे पर उसके लिए आपको आई एम सजेस्टिंग क्योंकि आपको ट्यूटर लेना ज़रूरी है क्योंकि आप अगर फैशन डिज़ाइन फील्ड में पहली बार एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो आपको कुछ प्रोसेस नहीं पता उसके लिए आपका ट्यूटर बहुत ही जरूरी है विच आर द टॉप बी ए फैशन डिज़ाइनिंग कॉलेजेस सो बे फैशन डिजाइनिंग कॉलेज के लिए टॉप कॉलेजेस कौन सा है मैं आप लोगों को बताता हूँ सबसे पहले आर्च अकेडमी ऑफ डिज़ाइनिंग जयपुर उसके uh, साइड में फ़ीस भी लिखा है एवरेज फीस जो है एनुअल उसके बाद पल अकेडमी स्कूल ऑफ़ फ़ैशन स्टाइलिंग एंड टेक्सटाइल नोएडा, इंस्टीट्यूट ऑफ़ एपल मैनेजमेंट कुर्गव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ फ़ेशन टेक्नालोजी बेगूर डब्ल्यू एल सी ई स्कूल आफ् फ़ैशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु, बेंगलूरू पर्ल अकाडेमी न्यू डेली डबल्यू एल सी ई स्कूल ऑफ़ फ़ैशन टेक्नोलॉजी चेन्नई डबल्यू एल सिूल आफ् फैशन टेक्नालजी कोलकाता डब्ल्यू एल सी ई स्कूल ऑफ़ फैशन हैदराबाद पर्ल जयपुर मुंबई उस लिंक इंटरनेशनल मुंबई निर्माला कॉलेज रांची ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है पुणे में है श्रीलॉन्ग में है नोएडा कलकाता गुड़गांव इलाहाबाद जयपुर छत्तीसगढ़ बहुत सारे जगह पर फैशन डिज़ाइनिंग के टॉप कॉलेज है आप देख सकते हो स्क्रीन पर तो उसके बाद व्हाट इज़ द बीए फैशन डिज़ाइनिंग जॉब प्रोस्पेक्ट सो वी फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स में जॉब क्या क्या प्रोस्पेक्ट है सो so, यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है कि कौन से जॉब में कितना सैलरी होगा जॉब्स डिस्क्रिप्शन भी किया हुआ है जैसे कि मार्चेंटाइजर मर्चेंडाइजर का काम क्या होता है वो डिस्क्रिप पूरे डिस्क्रिप्शन में दिया है और डिस्क्राइब करके वो यहाँ पर दिया है उसके बाद टेक्सटाइल डिज़ाइनर का, का काम क्या होता है कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ये सभी आफ्टर बी करने के बाद बी फैशन डिज़ाइन करने के बाद आपके जॉब पोजिशन होता है फैशन कॉन्सल्टर फ़ैशन कोऑर्डिनेटर सेल्स में जो डिपार्टमेंट्स है उसके लिए टेक्निकल डिज़ाइनर तो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है सो आप बहुत ही क्लियरली इसको समझ सकते हो सो so गाइज आज के वीडियो में मैंने बताया कि बी ए फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स क्वालिफिकेशन फीस ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंट। सो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था आई थिंक आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हुआ बी ए फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के बारे में और आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और पर्सनली अगर मुझसे कोई बात करना हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आई डी पर मैसेज कर सकते हो सो so गाइस फिर मिलते हैं अगले कोई फैशनेटेड टॉपिक ऊपर फैशन फैशनेटेड वीडियो के ऊपर तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग बाय गाइस टेक केयर